अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी आर राउंडर। आज की डेट जनाब 25 नवंबर 2023 है और जनाब हम आए हुए हैं आपके बत्ती चौक से लेके सगियां पुल तक जो प्रोजेक्ट है हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वहां पे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहां का टोटल व्लॉग दिखाते हैं, टोटल आपको इंशाल्लाह अपडेट देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहले पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर, जो कि आपके बत्ती चौक के बिल्कुल करीब है। बत्ती चौक से आते हुए पहले पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मेरा रुख जो है वो बत्ती चौक की तरफ है। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए जनाब मशीनरी फ़िलहाल खड़ी हुई है। तो जनाब सामने देख सकते हैं कि आपका जनाब जो बैरियर वगैरह है उसकी डिमोलिशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपके जो रोड का काम है माशाल्लाह, बैक फिलिंग वगैरह सारी वो भी आपके सामने हो रही है। तो जनाब यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपकी जो साइड वॉल्स है इंशाल्लाह वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जनाब मेरा रुख आपका सगियां पुल की तरफ है। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइडों के ऊपर बैक फिलिंग हो रही है और जनाब आगे देख सकते हैं कि इसकी साइड वॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह लगना स्टार्ट हो गया। और एक साइड पर देख सकते हैं कि आपकी इस साइड वॉल के लिए नीचे जो बुनियाद वगैरह होती है वो माशाल्लाह इसकी बना दी गई है और इसके ऊपर माशाल्लाह आपकी जो प्रीकास्ट स्लैब्स वगैरह हैं वो भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपकी जो साइड वॉल है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा जनाब हम अभी भी पहले पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे मौजूद हैं। यहाँ पे आपका ये पहला सबवे मौजूद है तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्म वर्क चल रहा है। तो माशाल्लाह इसका मतलब जो स्टील वर्क है वो तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, बस इसका अभी फॉर्म वर्क होने वाला रहता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फॉर्म वर्क कम्प्लीट हो जाएगा और जैसे ही इसका फॉर्म वर्क इंशाल्लाह कम्प्लीट होता है तो तब तक इंशाल्लाह यहाँ पर मतलब इसको कंक्रीट भी कर दिया जाएगा। तो ये आपका छोटा सबवे है तो ये छोटी ट्रैफिक के लिए मतलब यूज़ होगा, इसमें से बड़ी ट्रैफिक नहीं गुजर सकेगी। इसके अलावा जनाब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। इस वक्त जनाब पहले और दूसरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के दरमियान में मैं मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी मतलब रिज वगैरह माशाल्लाह तैयार की जा रही है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से इसकी जो स्लैब्स वगैरह हैं वो लगाई जा रही हैं। तो जनाब साथ साथ इसकी बैक फिलिंग होती है, फिर साथ साथ इसकी स्लैब्स वगैरह लगाए जाते हैं। एक ही साथ मतलब स्लैब नहीं लगाई जाती क्योंकि इसने जनाब खड़ा भी होना होता है, सहारा भी लेना होता है, तो इसलिए ये बैक फिलिंग के सहारे पर ही खड़ी होती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बैक फिलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपकी साइड वॉल तैयार होती जाएगी। तो जनाब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका गार्डर यार्ड मौजूद है जो कि आपकी सबवे नंबर 2 के लिए यहाँ पे गार्डर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो जनाब देख सकते हैं तकरीबन कहा जा सकता है कि आपके 12 गार्डर्स का जो स्टील वर्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है। तकरीबन 6 गार्डर्स जो है ना वो यहाँ पर कंक्रीट भी हो चुके हैं। तो जनाब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके ये जो गार्डर्स का काम है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और बहुत जल्द आपका जो सबवे नंबर 2 है इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब वर्किंग चल रही है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए जनाब बेहतर अपडेट लेके आएंगे। तो जनाब हम आ चुके हैं आपके सबवे नंबर 2 के ऊपर। तो जनाब ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रेडी है, इसमें थोड़ा सा काम रहता है तो लेकिन अभी तक ये कंक्रीट नहीं हो सका तो इसके लिए जनाब थोड़ा सा इन्होंने ढील दी हुई है। उसकी वजह यही है कि जनाब कंपनी में सीमेंट फ़िलहाल जनाब सीमेंट की किल्लत है, सीमेंट अभी तक नहीं पहुँचा तो इसमें होता है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं क्योंकि पीछे इनके बिल वगैरह जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। तो इस वजह से जनाब का मतलब अभी मटेरियल यहाँ पे नहीं पहुँच रहा और हज़ारों टन मतलब इसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है तो इसलिए जनाब अभी तक ये कंक्रीट नहीं हो सका। तो जनाब हम आ चुके हैं आपके दूसरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर और जनाब इस वक्त हमारा रुख जो है वो बत्ती चौक की तरफ है और जनाब ये देख सकते हैं कि आपकी दरमियान में माशाल्लाह बैक फिलिंग की गई है सैंड की मदद से। तो ये आपकी मतलब दो साइडें छोड़ के जो आपकी साइड वॉल हैं वो छोड़ के दरमियान में बैक फिलिंग की गई है और इसकी मतलब साथ साथ कंपैक्शन भी हो रही है। तो साइड वॉल्स की कंडीशन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, नीचे नीचे आपकी जो स्लैब्स हैं वो लग चुकी हैं और साथ साथ जनाब बैक फिलिंग होती रहेगी और साथ साथ इंशाल्लाह इसकी ऊपर वाली स्लैब्स भी लगा दी जाएंगी। तो जनाब इस वक्त मेरा रुख सगियां पुल वाली साइड पर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बैक फिलिंग का काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है
और इसकी मतलब जो साइड वाल्स हैं उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दोनों तरफ से इसकी साइड वाल्स बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। और जनाब राइट साइड जो है हमारी, इसमें जनाब दरमियान में मतलब जो आपकी साइड वाल है, साइड वाल की अंदर वाली साइड पे कपड़ा वगैरह भी लगा दिया गया और बैक फिलिंग हो रही है। पहले ये कपड़ा वगैरह लगाया जाता है, फिर उसकी बैक फिलिंग की जाती है ताकि सीपेज वगैरह से बचा जा सके। तो जनाब ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन कंडीशन में काम हो रहा है। इसके अलावा जनाब थोड़ा सा आगे आ चुके हैं दूसरे और तीसरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के, आप कह सकते हैं कि दरमियान में हम मौजूद हैं। आपका जो मालीपुर है, मालीपुर वाला पंप है, तो उसके बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बैक फिलिंग का काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है और जो साइड वाल का बैक फिलिंग का काम है वो भी आपके सामने हो रहा है। और ग्रेडर भी आप देख सकते हैं कि ग्रेडर जो बैक फिलिंग का मटेरियल है उसको फैलाने में मसरूफ़ है। तो इस तरफ जनाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह डंपिंग भी की गई है। आपकी जो बैक वाल का मटेरियल है वो जनाब डंप किया गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जहाँ पे कपड़ा लगाया जाएगा, कपड़ा लगाने के बाद उसको बैक फिल कर दिया जाएगा। तो जनाब बेहतरीन तरीके से इसकी बैक फिलिंग का काम चल रहा है। तो जनाब हम आ चुके हैं थोड़ा सा और आगे, और आपका तीसरा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके बिल्कुल करीब हम मौजूद हैं। तो जनाब ये आपका तीसरा सबवे है, तो तीसरा सबवे माशाल्लाह देख सकते हैं कि इसका जो स्टील वर्क है वो तकरीबन कहा जा सकता है कि कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जनाब आपका जो फार्म वर्क वगैरह है वो अभी होने वाला रहता है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फार्म वर्क वगैरह भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंक्रीट आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे चारों के चारों सब वेज जनाब उनका स्टील वर्क अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फार्म वर्क थोड़ा सा रहता है और बाकी कंक्रीट आपकी होने वाली रहती है। तो जनाब हम तीसरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। तो जनाब सामने आपको आपका सबवे नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा माशाल्लाह, और आगे जनाब आपको रोड दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे बैक फिलिंग वगैरह की गई है। तो जनाब सबवे नंबर 3 इंशाल्लाह बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, इसका स्टील वर्क भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो जनाब थोड़ा सा मटेरियल की अदम मौजूदगी की वजह से, अदम दस्तियाबी की वजह से थोड़ा सा मसला है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में कितने हालात टेंस चल रहे हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही मटेरियल पहुँचता तो इनको इंशाल्लाह कंक्रीट कर दिया जाएगा। तो जनाब इस वक्त मेरा रुख जो है वो सगिया पुल वाली साइड पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह दरमियान में बेहतरीन किस्म की रिज तैयार कर ली गई है और साइडें भी इसकी माशाल्लाह लेवल कर ली गई हैं। तो जनाब जो आपकी साइड वाल्स हैं, साइड वाल्स की जो भी एक्सीवेशन की गई थी उसमें जो मटेरियल डाला गया है वो जनाब बेहतरीन किस्म का, जो गेड़ा वगैरह होता है जिसमें पत्थर वगैरह मिक्स होता है वो डाला जा रहा है और अच्छे तरीके से कम्पैक्ट किया जा रहा है ताकि ये जो दीवार है ये मज़बूत रह सके। और दरमियान में सैंड आ रही है, सैंड भी जो है ना वो कम्पैक्टेबल मटेरियल होता है, तो इसलिए जनाब सैंड यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो जनाब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं तीसरे और चौथे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के दरमियान में इस वक्त हम मौजूद हैं। और जनाब ये देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म की यहाँ पे रिज तैयार हो चुकी है, और जनाब इनर और आउटर साइड की जो वाल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो जैसे जैसे बैक फिलिंग होती जा रही है वैसे वैसे फिर इनकी स्लैब्स वगैरह भी लगा दी जाएंगी। तो जनाब आप देख सकते हैं कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपके जो रोड है, रोड के जो किनारे वगैरह हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिए गए हैं, और यहाँ पे मतलब वाल्व वगैरह नीचे से उठा ली गई है। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं आपके चौथे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर। इस वक्त मेरा रुख जो है वो बत्ती चौक की तरफ है, और जनाब ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन ब्रिज आपके सामने तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे बैक फिलिंग की जाएगी। और जनाब साइड वाल्स को अगर आप गौर से देखें तो इनका जो टॉप लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा है जनाब, तो इसका मतलब यही है कि आपकी यहाँ पर जो साइड वाल्स का लेवल है यही रहेगा और फिर आगे जाके मतलब बढ़ता जाएगा, तो जब आपका सबवे आएगा तो फिर सबवे के लेवल तक ये पहुंच जाएगा। इसके अलावा जनाब मेरा रुख आपके सगिया पुल वाली साइड पे है। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको सबवे नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है, क्रेन भी दिखाई दे रही होगी। साइड वाल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब साइड वाल्स भी आपकी बेहतरीन तरीके से हैं, और रिज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से इसकी तैयार हो चुकी है। तो जनाब जैसे जैसे इंशाल्लाह यहाँ पे वर्किंग होती रहेगी आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन व्लॉग लाता रहूँगा। तो जनाब आप जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो जनाब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला होगा। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं आपके
सबवे नंबर 4 के ऊपर। और जनाब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हुआ पड़ा है ये काम, सारे का सारा फार्म वर्क भी रेडी है और सारा स्टील वर्क भी रेडी है, लेकिन अभी तक ये कंक्रीट नहीं हो सका। तो उसके लिए जनाब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, यहाँ पर मटीरियल की थोड़ी अदम दस्तियाबी है, इसलिए जनाब थोड़ा सा मसला है। तो मटीरियल इंशाल्लाह जैसे पहुँच जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मतलब जो भी मतलब बिल्स वगैरह होते हैं इनमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, आपको पता है मुल्की हालात के बारे में आप बेहतर जानते हैं मुझसे भी ज़्यादा। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं आपके स्टील यार्ड के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो स्टील का स्टॉक है वो जनाब कम हो चुका है, क्योंकि हमारा जितना भी यहाँ पे स्टील वर्क है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 से 80% तकरीबन आपका स्टील वर्क मुकम्मल हो चुका है। तो इसलिए जनाब यहाँ पे भी स्टील हमारा जनाब कम हो चुका है, तो अभी और स्टील नहीं मंगाया जाएगा, जितना थोड़ा बहुत ज़रूरत होगा तो वही मंगाया जाएगा, बाकी नहीं मंगाया जाएगा। तो जनाब आपको टीम्स भी कम दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर बंदे भी कम दिखाई दे रहे होंगे, तो उसकी वजह यही है कि हमारा स्टील वर्क जो है ना वो तकरीबन कह सकते हैं कि मुकम्मल होने वाला है। तो जनाब आपके सामने गार्डर यार्ड मौजूद है और सामने माशाल्लाह देख सकते हैं कि आपके 3 गार्डर्स जो है ना यहाँ पे कंक्रीट हो चुके हैं और आगे भी 3 गार्डर्स कंक्रीट हो चुके हैं, तो जहाँ पे 6 गार्डर्स आपके कंक्रीट हो चुके हैं। इसके अलावा माशाल्लाह आपके मतलब जो स्टील वर्क है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इसका कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 12 से 13 गार्डर आपके स्टील वर्क के लिए भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे जनाब आपकी जो बॉटम वगैरह हैं वो भी जनाब ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आखिरी बॉटम है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।